और बोले कि मैंने तुम्हारा तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है और एथलेटिक्स में तो सारी काली पीली लड़कियां हैं, ना उनका लुक अच्छा है ना पर्सनैलिटी अच्छी है, और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟ ਕੋਚ ਨੇ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮਨਪਸੰਦ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟੇਬਲ ਸੇ ਮੈਨੇ ਇਹਨੇ ਬੋਲਾ ਇਨਕਾ ਹਾਥ ਮੈਨੇ ਧੀਰੇ ਸੇ ਹਟਾਇਆ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਮੈਨੇ ਸਾਈਡ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ मतलब मेरे लिए मेरे साथ वो एक बहुत अलग सा टाइम था कि मैंने वो चीज़ कभी फेस नहीं की थी। और मैं उठी तो ये इधर से घूम के यहाँ आए और ये यहाँ बैठ गए, तो इस साइड टेबल था वो अलग चेयर थी, मेरा रास्ता ब्लॉक हो गया। और इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। और आई वॉज क्राइंग और मैं चिल्ला रही थी, मैंने काफ़ी आवाज़ भी लगाई इनके स्टाफ में, बट वहाँ सब अवेलेबल थे लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। और सर मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल रही हूँ तो मेरे को थोड़ा सा था कि शायद नॉर्मल जो लड़कियाँ होती हैं उनमें से शायद मेरे में थोड़ा सा स्ट्रेंथ कंपेरिजन टू अदर गर्ल्स में थोड़ा फिट थी। और मैंने इन्हें रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, तो ये बोले कि देख लो तुम्हारी नौकरी का सवाल है और बाकी तुम अपने मुँह से सारे काम खराब करती हो, और अगर तुम मुझे खुश नहीं रख सकती ना तो तुम किसी को खुश भी नहीं कर सकती और ना तुम्हें नौकरी मिलेगी। और तुम्हें फैक्ट ये है कि तुम्हें अपना शक्ल सूरत अपना रंग अपनी हाइट इस्तेमाल करनी नहीं आती। इन्होंने काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी करंट खेल रहे हैं, देश का नाम इतना ऊपर कर रहे हैं, इन्होंने तीन चार आई एम सॉरी मैं उनके नाम बाहर नहीं कर सकती, इन्होंने तीन चार लड़कियों के एग्जाम्पल दिए कि मैंने उसका ये करा दिया, उसका मैंने ये करा दिया, इसको मैंने ब्लू टिक दिला दिया इंस्टाग्राम पे, मैंने इतना इनको स्पॉन्सर किया हुआ है। सर मैंने इन्हें बोला कि सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में यहाँ तक आने के लिए मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर, और यहाँ तक मेहनत करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे बहुत कुछ लगाया है, और अगर यही गलत तरीके से शॉर्टकट चाहिए होता है तो ज़िंदगी में मैंने काफ़ी चीज़ों में बहुत बड़े बड़े नुकसान कराए हैं। सर इन्हें समझ नहीं आया और वो एकदम से ही जैसे कोई साइकोपैथ इंसान होता है, ये इन्होंने छीना झपट्टी की और मुझे निकलने नहीं दे रहे थे। और सर अनफॉर्चुनेटली मेरा मुझे नहीं पता चला कि मैं उस चीज़ उस मतलब टाइम क्या रिएक्शन देती, और मेरा हाथ उठ गया और मैं सडन वहाँ से इनको पुश करके मैंने उन टेबल पे इनको गिरा दिया और मैं वहाँ से भागी और मैं बाहर चिल्लाती रही। तो एक साइड से इन्होंने डोर बंद करवाया हुआ था जबकि मैं दूसरा इनका कैबिन था उसकी साइड से निकल के मैं भागी, और वहाँ पे जो पुलिस स्टाफ था और जो इनके लोग खड़े हुए थे वो हंस रहे थे मेरी उस सिचुएशन में। मेरा मेरा पर्स गिर गया था, मेरा सारा सामान यहाँ वहाँ फैल गया था, और मैं वहाँ से मैं भागती हुई मैं लेक तक भागी गई। और मैंने वहाँ जाके मैंने कैब बुक किया तब मैं वापस अपने रेजिडेंस गई। मीडिया सामने आई महिला एथलीट कोच मुताबक संदीप सिंह ने ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। इनका जब मन करता है ये मुझे ब्लॉक मैसेज कन्वे करना होता है तो मुझे अनब्लॉक करते हैं इंस्टाग्राम पे उनकी खुद की आईडी से, और जब मन करता है ये मुझे ब्लॉक कर देते हैं। देन उसके बाद इन्होंने मुझे बोला है कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ और या तो तुम वो देखो, बाद में मुझे मत बोलना क्योंकि जो होगा उसके तुम खुद जिम्मेदार हो। उसके बाद सर मैंने जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट सर हैं जो कि बहुत स्पोर्ट को प्रमोट करते हैं, मैंने उनकी हेल्प लेने की कोशिश की कि सर प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरा होम सेंटर है और मैं कहीं और अभी मैं पीक पे हूँ और मैं कहीं और दूसरी जगह जाऊँगी तो सर मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाऊँगी, तो मैंने उन्हें भी ये मैसेज कन्वे किया। बट सर अभी 2 दिन पहले मैं स्टेडियम गई सिग्नेचर करने तो मुझे बोला गया है कि आपकी ट्रांसफ़र यहाँ से झज्जर डिस्ट्रिक्ट कर दी गई है जो कि वहाँ पे एक 100 मीटर का ग्राउंड तक नहीं है, ना 200 मीटर का ग्राउंड है। तो सर मैं 400 मीटर नेशनल रनर, मैं अभी मेरे कॉम्पिटिशन आ रहे हैं, मैं अभी मैंने इंजरी से कम बैक किया है तो मैं वहाँ कैसे ट्रेनिंग कर सकती हूँ। तो मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन कल भी मैं इनसे मिलने गई संदीप सर से क्योंकि ये इधर उधर से काफ़ी मैसेजेस करा रहे, कल भी उन्होंने मुझे इतनी सब चीज़ें बोली हैं कि देखो तुम बात नहीं सुनोगी, अब तो हमने बहुत हाई हेड कोचेज हायर किए हैं जो कि तुम डिजर्विंग नहीं करती।
उधर संदीप सिंह ने कहा कि यह इल्जाम उन्होंने अक्स नूं खराब करने लिए लगाए गए ने। मीडिया नाल गलबात दौरान संदीप सिंह ने कहा कि महिला एथलीट कोच पंचकुला विच मनपसंद पोस्ट चाहती सी ते जदों ये पोस्ट नहीं मिली तो इल्जाम लगा दिते गए। एक जूनियर कोच ने बड़ा बेसलेस और किसका आधार नहीं होता उस आधार को बनाकर दिखाकर एक राजनीतिक दल के ऑफिस से एक प्रेस जो है वो की है। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यार मैं एक खिलाड़ी होने के नाते खिलाड़ियों की हेल्प करने के नाते उसका ये मतलब देखने को मिला कि लोग जो हेल्प करते हैं लोगों की उनके बारे में ऐसे सुनने को मिले जिसका कोई आधार ना हो। ये राजनीतिक चीज़ें हैं, हो सकता है विपक्ष जो है इस चीज़ को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को ख़राब किया गया। और मुझे लगता है कि सिर्फ इस पूरे एपिसोड में एक ही चीज़ है कि झज्जर ना कर पंचकुला ना करके झज्जर किया गया, उस चीज़ को माहौल बनाया गया, मेरी छवि को डैमेज करने का किसी ना किसी, क्योंकि देखिए बहुत यंग एज में मुझे ये कुछ मिला है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ये हैं कि मेरी छवि को डैमेज करने के लिए ये काम किए। उधर इस मामले नु लेके इनेलो आगू अभय चौटाला ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि सिट बनाने की मांग की है अते नाल ही संदीप सिंह तो अस्तीफा भी मंगया। मतलब कितनी बड़ी शर्मिंदगी है इस बात को लेकर के, तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। नई कार्रवाई अगर करेंगे तो मैं फिर पूरे हरियाणा प्रदेश के स्पोर्ट्स के लोगों से बात करूंगा इस मामले में, और जो नाम इन्होंने बताए हैं कि और भी लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, मुझे लगता है कि आज जब ये सारी चीज़ आपके माध्यम से उन तक जाएगी, कल वो लड़कियां भी 100% आपके सामने आकर के कहेगी कि इसको सजा मिलनी चाहिए और हमारे साथ न्याय होना चाहिए। मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत इस बात के ऊपर मंत्री को बर्खास्त करके SIT का गठन करके।